अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नजीम शब्बीर और आप इस वक्त देख रहे हैं फ्रीडम पीपल नेटवर्क। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज मैं खड़ा हूं सियालकोट के इलाके गोंदा रोड पर। जैसे कि आपको पहले भी आगाह किया गया था, इस रोड की जो सूरत हाल किस तरीके की नासाख्ता थी, आज फिर उसी रोड पर हम लोग मौजूद हैं और इस रोड की जो नासाख्ता हालत है आज इस वीडियो में आपको दिखाई जाएगी। इस रोड की हालत कहाँ से कहाँ तक नासाख्ता है। इतनी वीडियोस बनाने के बावजूद भी, मीडिया पर बात आने के बावजूद भी, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं इस इलाके के, अभी तक उन्होंने किसी अमल का लाए अमल सामने पेश नहीं किया इस रोड के हवाले से। तो आए रोड पे चलते हैं और देखते हैं कि इस रोड की हालत किस तरह की नासाख्ता है और कहां तक ये फैली हुई है। तो जी वीयर्स, जैसा कि हम लोगों ने आपको इस रोड का विज़िट करवाया, अभी हमने आप लोगों को एक आधा हिस्सा दिखाया इस रोड का, अभी आपको दूसरा रोड का हालत नहीं दिखाई क्योंकि वो इतनी नासाख्ता है कि वहाँ से तो जाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आवाम का ये कहना है कि जितना जल्दी हो सके इस रोड के ऊपर तवज्जो दी जाए। और ये इस रोड को मंजूर हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जब एयरस्ट्राइक का इफ्तिताह करने आए थे तब उन्होंने यहाँ इस इलाके के तीन रोडों की मंजूरी के जो डिमांड थी, जो पैसे थे, वो यहाँ के नुमाइंदों को दे दिए थे। लेकिन वो अभी तक यहाँ की जो सूरत हाल है वैसी की वैसी है, उन्होंने अपनी जो जेब है वो तो भर ली, लेकिन आवाम जो है ना वो अभी तक इस चक्की में फिस रही है। तो आप लोगों देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आला हुकाम है उन तक ये वीडियो पहुँचे और जल्दी से जल्दी हो सके इस रोड के ऊपर काम किया जा सके। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। इसी के साथ अपने होस्ट नजीम शब्बीर को इजाज़त दीजिए, देखते रहें फ्रीडम पीपल नेटवर्क सियालकोट।